कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छिपकली की दो प्रजातियों के बारे में जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं और वह अपने हमलों के लिए जानी जाती हैं। यह एक है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली। इसके शरीर पर पीले पीले धब्बे होते हैं और दोस्तों यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों यह एक है कोमोडो ड्रैगन जो कि एक छिपकली की प्रजाति है जो छोटे छोटे जानवरों को जैसे हिरण, बकरी और अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों यह काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। यह छिपकली दिन में भी सक्रिय होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं वहाँ पर पाई जाती हैं और वहाँ की यह काफ़ी आकर्षक निशानी मानी जाती हैं। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी जानवर है और वह मांस खाने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों यह 10 फीट तक बढ़ सकती हैं और इनका वजन 154 किलो तक का होता है। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली छिपकली इनका वजन दोस्तों 30 किलोग्राम तक का होता है। और दोस्तों यह छिपकलियाँ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली 140 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं और जो इनका शरीर होता है, जो घास के मैदान होती हैं, ये उनमें छुपने में सक्रिय हो जाता है जिसके कारण इन्हें काफ़ी होशियार माना जाता है। यह दोस्तों इंसानों पर भी हमला करने के लिए जानी जाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जो कोमोडो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। उसके दोस्तों तलवेदार पंजे और उनकी जो लार होती है, उनकी जीभ होती है, वह काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि यह दोस्तों अपनी जीभ के द्वारा किसी भी जानवर का पता लगाती है। जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली छिपकली होती है वह थोड़ी इससे अलग होती है। यह दोस्तों जो छोटे छोटे सरीसृप होते हैं, कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जानवर, यह उन्हें खाती हैं और उनके अंडों को खाने के लिए जानी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें आकर्षक रूप से जाना जाता है। इसके शरीर पर एक पीले पीले आकार की धब्बे होते हैं जो कि इन्हें एक आकर्षक रूप देता है। कोमोडो ड्रैगन की दोस्तों एक बात तो आपको पता ही होगी कि दोस्तों यह अपनी जीभ के द्वारा किसी भी मरे हुए इंसान या जानवर का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों इनकी देखने की और सुनने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, इसी यह अपनी जीभ के द्वारा किसी भी जानवर का, सड़े हुए जानवर का पता लगा सकती हैं। तो यह काफ़ी ताकतवर और बड़ी होती हैं। जो इनके लार के बैक्टीरिया होते हैं वह दोस्तों जहरीले माने जाते हैं। जब दोस्तों एक बार या किसी जानवर पर हमला बोल देते हैं तो वह कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद वह दोस्तों घायल होने लगता है, मतलब वह दोस्तों उसके अंदर उसका जहर फैलने लगता है। उस शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि जो इसके लार में बैक्टीरिया पाए जाती हैं तो सांप के विष के बराबर होती हैं। पहले तो ऐसा माना नहीं जाता था लेकिन अब शोधकर्ताओं ने इसके बैक्टीरिया ढूंढ लिए हैं जो कि जहर के बराबर माने हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कोमोडो ड्रैगन ने एक बकरी के बच्चे को पूरा का पूरा निगल लिया है और अब यह वहाँ से चल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली यह छिपकली दिनचर होती है जो कि अपने जो सावना और यहाँ तक कि शुष्क के रेगिस्तानी स्थान होते हैं या वहाँ पर भी पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई जलवायु दोस्तों इनके पनपने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यह अपने रहने के लिए एक अच्छा स्थान देख लेती हैं। और दोस्तों जो इनके शरीर पर पीले पीले धब्बे होते हैं वह उन्हें जो बुद्धिमत्ता होती है और उनकी जिज्ञासा होती है इन्हें उनके लिए जाना जाता है। यह दोस्तों जानवर
सबसे बुद्धिमान और समूहों में रहने वाला माना जाता है। कोमोडो ड्रैगन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यह काफ़ी खतरनाक होता है और बहुत तेज़ी से अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाना जाता है, जो कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस कोमोडो ड्रैगन ने दोस्तों एक बकरी का पीछा किया था और दोस्तों अब उसे बुरी तरह से अपनी चबड़ों से पकड़ लिया है। यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले छिपकली के अंडे हैं, जो कि अब कैद में रखे हुए थे। अब दोस्तों इनसे बच्चे निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह छिपकली का बच्चा धीरे धीरे इस अंडे से निकल रहे हैं और उन्होंने दोस्तों निकलना शुरू कर दिया है। एक निश्चित समय के बाद दोस्तों यह छिपकलियाँ अंडे से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दोस्तों अपने जन्म के दौरान दोस्तों यह काफ़ी छोटी होती हैं और उस समय पर दोस्तों यह ज़्यादा दौड़ भी नहीं सकते हैं और यह अपनी माँ के पास ही ज़्यादातर घूमते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों यह एक छिपकली का बच्चा अंडे से बाहर निकल आया है और जो दोस्तों दूसरे बच्चे हैं वह भी दोस्तों अंडों से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली यह छिपकली एक बार में कुछ अंडों को जन्म दे देती है, कुछ अंडे दे देती है जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बच्चा अब किस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसके शरीर पर पीले पीले धब्बे हैं। यहाँ पर दोस्तों यह एक कोमोडो ड्रैगन तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और दोस्तों बाज उसके पीछे से हमला बोल देता है। बाज दोस्तों उस पर हमला इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोस्तों वह उसे खा सके। इन दोनों की दोस्तों काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर दोस्तों इस कोमोडो ड्रैगन ने इस बाज के पंजों को बेरहमी तरीके से पकड़ लिया है। बाज जो था दोस्तों उसको बेर बेर बार बार उसे छेड़कर जा रहा था, लेकिन दोस्तों एक बार जब कोमोडो ड्रैगन के मुंह में उसका पंख आ जाता है दोस्तों वह उसे छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी खतरनाक होते हैं। अब जो दोस्तों बाज है वह उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत के साथ उसके पंखों को उखाड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों यह छिपकली अब ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं वहाँ पर घूम रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक और जहरीली मानी जाती है। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन की एक बात यह भी है कि वह दोस्तों जब भूखे होते हैं तो दोस्तों वह अपने से छोटी जो छिपकलियाँ होती हैं, उनका कोमोडो ड्रैगन होते हैं, वह उन्हें भी अपना शिकार बना देते हैं। और दोस्तों यह कभी कभी जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने छिपकलियाँ होती हैं वह हमें लड़ती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। उनकी दोस्तों यह छोटी छोटी प्रजातियाँ हैं। यह दोस्तों दो छिपकलियाँ हैं जो कि आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोस्तों यह एक कोमोडो ड्रैगन है जो कि फिर से इस बकरी के पीछे पड़ी हुई है। बकरी दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो कोमोडो ड्रैगन है वह दोस्तों उसे मार देती है। और दोस्तों यह छिपकली जो कि एक ऐसा प्राणी है जो कि न केवल अपने शारीरिक स्वस्थ और सुंदरता के लिए बल्कि जो उसके
शरीर का जो संतुलन होता है वह उसकी भूमिका बनाए के लिए जो उसकी भूमिका बनाए रखने के लिए जानी जाती है। यह दोस्तों प्राकृतिक दुनिया की सबसे सुंदर और मजबूत प्राणी मानी जाती है। यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कहना होता है। और दोस्तों यह अब विश्व के लिए है, वह दोस्तों ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद रही है और दोस्तों वह किसी जानवर के अंडे निकालने के लिए या किसी कीड़ों को खाने के लिए उसे खोद रही है। शायद दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यह छिपकली अपने आप को छुपाने के लिए या किसी का शिकार करने के लिए ऐसा कर रही हो। लेकिन कोमोडो ड्रैगन ज़्यादातर दोस्तों जब भी दिखाई देती हैं तो दोस्तों वह खतरनाक तरीके से दिखाई देती हैं। वह या तो किसी का शिकार कर रही होती हैं या दोस्तों वह आराम कर रही होती हैं। यह कोमोडो ड्रैगन दोस्तों इन प्रजातियों में सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती है कैसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।